Assalamu alaikum, 7th class. Today our lecture is 14 and we will study unit number 9. Now open your page as page number 67. Today our topic is past tense. लास्ट यूनिट में आपने प्रेजेंट टेंस पर है, प्रेजेंट टेंस में आपने देखा था वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करता है और सब्जेक्ट के साथ वो थोड़ा कहीं एस और यस का इजाफा करता है, कहीं नहीं करता, जैसे प्लूरल के साथ एस एंड यस का इजाफा नहीं किया जाता वर्ब के साथ, और जब ही शी इट प्रोनाउन होते हैं तो उनके साथ वो एस और यस का इजाफा करता है। अब यहाँ पे है पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस अमूमन होता है जैसे प्रेजेंट में अगर इजा रहे हैं तो पास्ट में हम वोस या वर लगाते हैं सिंपल में, जैसे आई, जैसे ही वास आ प्लेयर, ठीक है, सिंपल के सिंपल पास्ट हो गया कि वो एक खिलाड़ी था। नेक्स्ट वो कहता है जो अब आपका उसके बाद आता है पास इनडेफिनेट। असल में यहाँ पे वो पास इनडेफिनेट में, उसमें आपने याद रखना है पास इनडेफिनेट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं, जैसे ही प्लेड, जैसे यहाँ पे एग्जांपल उसने दी हुई है दे प्लेड वी लाफ्ड, ठीक है, वर्ब के साथ उसने ईडी का इजाफा किया जाने के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगती है, अगर डायरेक्ट सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है। पास इंडेफिनेट में आपने याद रखना सिंपल होगा तो वोज वर लगेगा, और अगर वो आपको पास इंडेफिनेट की बात करेगा तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अब आ जाए पेज नंबर 68 पर। अच्छा जी, वो कहता है सिंपल पास्ट टेंस इज यूज इन द फॉलोइंग केसेस। अच्छा जी, एनेक्ट इन द पास्ट यानी कि हमने माजी की बात करनी है, चाहे दो मिनट पहले कोई काम हुआ, एक मिनट पहले काम हुआ, वो हमारा माजी का हिस्सा बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल देता है ही फाउंड सम मनी, ठीक है। अब आप वो कहता है आ गया हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दिया है ही स्टडी यानी कि यूज टू स्टडी, वो स्टडी किया करता था माजी में हार्ड ईच डे। जैसे अब आपके लिए तो आपका माजी पिछली क्लास होगी, आपका बचपन होगा, आपकी मदर बताती होंगी कि आपकी ये हैबिट थी, वो आपका पास्ट है। अब वो आके कहता है टू शो एन एक्शन गोइंग ऑन द पास्ट वाइल दे स्वैम वी प्लेड यानी कि जब वो स्विमिंग कर रहे थे तो हमने खेला, यानी कि अगर वो स्विम कर रहे हैं तो हम खेल रहे थे। पास अब आगे कंटिन्यूस आ गया, वो कहता है ये होता है टू शो टू एक्शंस गोइंग एट द सेम टाइम, जरूरी नहीं है टू एक्शन हो, एक एक्शन भी हो सकता है। जैसे च्यू हून वाज प्लेइंग मिसिस टैन वाज कुकिंग यानी कि वो खेल रहे थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसके साथ आपके पास एक कंजंक्शंस लगा दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से ये वाला जुमला आपका डिपेंडेंट हो गया है, डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर कि जब च्यू हून खेल रहा था तो मिसिस टैन कुकिंग कर रही थी। अब आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस, वो कहता है वी यूज दिस टेंस टू शो विच टू एक्शन टू प्लेस फर्स्ट। ये जैसे वी हैड डन हर वर्क, व्हेन शी हैड डन हर वर्क शी वेंट फॉर अ शो, ये हैड के साथ जो थर्ड फॉर्म आई है ये आपका पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में अमूमन होता यह है कि ये हमेशा दो टेंस में आता है, जैसे व्हेन वी हैड डन हर, व्हेन शी हैड डन हर वर्क शी वेंट फॉर अ शो, एक में अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो दूसरे में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यानी कि एक में पास्ट इंडेफिनेट आता है, ये पास्ट इंडेफिनेट है और ये पास्ट आपका परफेक्ट है, ये परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। तीन टेंस पर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनेट में सिंपल सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट कंटिन्यूस में इज आर एम के साथ, ये देखें वॉज वर्क के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी हम लगाते हैं, यानी कि मेन वर्ब के साथ आई एन जी का इजाफा कर दिया जाता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और उसके साथ पास्ट इंडेफिनेट भी आ सकता है जो कि यानी कि लिंक्ड होगा पास्ट इंडेफिनेट। अब मेरे पास है फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, रेगुलर वर्ब्स की वो बात कर रहा है, यानी कि देखिए सारी रेगुलर है, एक्ट एक्टेड एक्टेड, एड एडिड एडिड, बाक बाक्ड बाक, यानी कि कोई वेरिएशन नहीं पाई जा रही, सिंपल ईडी उसी वर्ड के साथ लग रहा है। आप लोगों ने जितनी प्रेजेंट फॉर्म है पेज नंबर 68 69 और 71 पे आपने करना है कि आगे मीनिंग लिखने हैं, जैसे एक्ट है अमल करना, एड है अजाफा करना,
बॉक है बोंकना। इसी तरह आपने क्या करना है, डिक्शनरी लेके ये सारे जो प्रेजेंट में आपके वर्ड है इनके आपने सिर्फ मीनिंग लिखने हैं, बाकी के वही मीनिंग बनेंगे, वो पास्ट में चले जाएंगे। आपने बस फर्स्ट वाले के यहाँ पे भी लिखेंगे, पेज नंबर 69 के भी सारे प्रेजेंट लिखेंगे कि सारी रेगुलर है। अब आ गई है बात इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स की। इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स में वो आपको कहता है कि ये डिफरेंट वेरिएशन होती है इसमें, जैसे एम, कई जगहों पर एम मिलेगा, कई जगहों पर आपको बी सिंपल मिल जाएगा। बी का मतलब होगा इसमें इज़ आर एम सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसने यहाँ पे हमें एम दे दिया, एम पास्ट के लिए उसने कहा जी वॉज लगेगा, और पास्ट पार्टिसिपल बीन लगा होता है, हैड बीन, यानी कि ये हैड की फॉर्म है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये अवेक अवोक अवेकन, बियर बोर बोन, बीट बीट बीटन या बीट बीट बीट, यानी कि ये इरेगुलर है, जरूरी नहीं है। ऊपर उसमें सिर्फ ईडी का इजाफा होता था हर वर्ड का, इसके साथ ऐसा नहीं है, वेरिएशन पाई जाती है। बिगेन बिगेन बिगन, बेंट बेंट बेंट, इसमें भी आपने सारे प्रेजेंट के मीनिंग लिखने रहे हैं। और ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स आप सब ने पेज नंबर जो के 70 और 71 पर हैं, सारी आपने आज ही अच्छी तरह याद कर लेनी है और लिख भी लेनी है, का ज़्यादा काम नहीं है इसमें। आपने असल मकसद आपका आज है, आपने ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स की याद करनी है और ये अच्छी तरह याद करनी है। इसमें किसी किस्म का फ्री हैंड नहीं है, आपको आपकी ये चेक भी होंगी, सुनी भी जाएंगी और आपके पेपर्स में भी ये चीज़ें आएंगी और ये आपके साथ हमेशा चलेंगी जब तक आपने इंग्लिश पढ़नी है। तो इसलिए काइंडली ये आज आपने याद भी कर लेनी है, इनके मीनिंग भी ढूंढ के लिख लेने हैं। आपका इतना ही काम आज करिए। थैंक यू।